हेलो एवरीवन। सो आज हम रिफ्लेक्स एक्शंस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। वैसे तो ऑलरेडी यूट्यूब पर इसके लिए काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन एज अ मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर हम इसे न्यूरोलॉजी के वार्ड में या अपने क्लिनिक्स में पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं। सो जो पॉइंट्स और जो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ वो कोई भी साधारण MSc या BSc वाला अपने वीडियो में आपको नहीं बता सकता। यही मेरा एम है इस वीडियो को बनाने के लिए। ओके, सो इसकी डेफिनेशन होती है एन इनवॉलंट्री रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई। ओके, तो इधर ही जो इनवॉलंट्री शब्द है ये इम्पॉर्टेंट है। इनवॉलंट्री का मतलब क्या है? इनवॉलंट्री का मीनिंग है कि आपको पता ना हो, आपके ब्रेन को उसके बारे में कोई भी नॉलेज ना हो और वो एक्शन हो जाए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके सामने कॉफ़ी का कप पड़ा है और आपको कोई बोलता है कि वो कॉफ़ी का कप आप उठा लीजिए, तो आपके ब्रेन को पता होगा कि हाँ ये रहा कॉफ़ी का कप, ये मैं हैंड्स के मसल का यूज़ कर रहा हूँ, हाथ के मसल्स का यूज़ कर कर मैं उसको ग्रिप से पकड़ूंगा, उठाऊंगा और फिर पीने वाला हूँ। तो इसका मतलब कि आपके ब्रेन को उसके बारे में पता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शंस का मीनिंग ये है कि वो इनवॉलंट्री है। इनवॉलंट्री का मतलब है कि आपके ब्रेन को उसके बारे में पता नहीं है। आपके ब्रेन को तब पता चलता है जब वो एक्शन ऑलरेडी पूरी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आप किसी भी गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ को टच करते हैं तो आपका हाथ अपने आप ही वापस पीछे की तरफ आ जाता है। तो उस चीज़ वो एक एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन का। या फिर हम जो क्लिनिक में डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक हैमर लेते हैं और उस हैमर से हम जो है आपके मसल का जो टेंडन होती है उसके ऊपर स्ट्रोक करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो भी हम आगे अभी देखने वाले हैं, उसको हम कहते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये रिफ्लेक्स एक्शंस के हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क की इसी टॉपिक में। अभी रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है कि जिसकी वजह से हम रिफ्लेक्स एक्शंस को कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे कि अगर सिंपली मैं कहूँ कि आपको जैसे अहमदाबाद से सूरत जाना है, तो पहले आप अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर वो ट्रेन वडोदरा, आनंद, ये सब जगह पर होती हुई तब जाकर वो सूरत में पहुँचेगी। तो ये जो पूरा रास्ता है इसको हम कहते हैं पाथवे, दैट इज़ द रिफ्लेक्स आर्क। इसका मतलब होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हो रही है उसका ये पूरा पाथवे है। ओके, सो ये है कम्प्लीट रिफ्लेक्स आर्क। तो आपके जो NCERT बुक है उसमें भी सेम डायग्राम दिया गया है। ओके, सो अब हम इसको देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होने वाला है कि सपोज़ आपने कोई हॉट सब्सटेंस को या हॉट कप को आपने टच किया, तो क्या होने वाला है, सबसे पहले जो है सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर का मीनिंग क्या है? रिसेप्टर वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन होता है कि जो कोई भी जो एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई होता है उसको परसुएट करता है। जैसे कि गर्मी, सर्दी, मैकेनिकल प्रेशर, पेन, ये जो भी चीज़ें हैं उन सबको फील करने के लिए जो हमारे हैंड में ऑर्गन होता है, हाथ में ऑर्गन होता है, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर स्टिम्यूलेट होगा और रिसेप्टर स्टिम्यूलेट होगा उसके बाद जो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं वो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन में जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए वो जाने वाले हैं इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वहाँ पर साइनेप्स होगा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। उसके बाद वो जो इम्पल्सिस हैं वो मोटर न्यूरॉन में ट्रांसमिट होंगे, मोटर न्यूरॉन से होते हुए वो मसल तक जाएंगे। वो जाएंगे और वो मसल को क्या करने वाले हैं, स्टिम्युलेट करने वाले हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और आपका जो हाथ है वो उस जगह से दूर हो जाएगा, आप उस हाथ को पीछे ले लेंगे। अब इस पूरी प्रोसेस में ये जो सर्कल बन रहा है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और इधर आप देख सकते हैं कहीं भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी नर्व इम्पल्स ब्रेन तक नहीं जा रही है। और जब भी नर्व इम्पल्स ब्रेन तक नहीं जाएगी इसका मतलब आपको कॉग्निशन नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो गया, ये पूरी प्रोसेस हो गई। इसीलिए हमने पहले ही कहा था कि ये जो प्रोसेस है ये होती है इनवॉलेंट्री। अच्छा, अब इसमें दो वर्ड्स और हैं, आप देख सकते हैं एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट का मतलब क्या है? एफरेंट का मीनिंग होता है, देखिए जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं ये है ब्रेन, ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ अगर कोई इम्पल्स आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, ये इम्पल्स क्या है, ये एक मैसेज है। गर्म चीज़ को आपने टच किया वो एक मैसेज है, इस मैसेज को ले जाता है सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो ले जाता है उसको हम कहते हैं एफरेंट, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम
से अवे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की ओर जो लेकर जाता है उसको हम कहते हैं इफ्रंट। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो है मोटर न्यूरॉन, ये इफ्रंट है। तो इफ्रंट का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर, और एफ्रंट का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो ये था पूरा रिफ्लेक्स आर्क। ओके सो ये दूसरा ये एक डायग्राम है जो कि आपकी 11th स्टैंडर्ड की NCERT बुक में दिया गया है रिफ्लेक्स आर्क का। ओके सो इसमें देखिए, इसमें हम देख रहे हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। यहाँ पर ये जो मैंने मसल ड्रॉ किया है, ये मसल जो है वो नी का मसल है। ओके जो नी जॉइंट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है वो मसल है। तो हम इसमें करते क्या है, हम एक हैमर लेते हैं और उस हैमर से हम जो ये मसल है उसकी जो टेंडन है उसके ऊपर स्ट्रोक करते हैं, ठीक है, हैमर से। तो स्ट्रोक करने से होता क्या है कि जो मसल के टेंडन में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट होंगे तो इन्फॉर्मेशन सेंट होगी वाया एफ्रंट टू स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड में एफ्रंट और इफ्रंट न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स है, ये आप देख सकते हो। और ये साइनेप्स होगा और फिर इफ्रंट न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन होती हुई जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो आएगी और वापस उसी मसल को स्टिम्युलेट करेगी। और इसका रिजल्ट में क्या होगा कि आपकी जो नी है वो आपका जो ये मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपकी नीज एक्सटेंड होंगे, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन ये है कि आप मान लीजिए अगर इस लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर कोई लीजन होता है तो क्या होने वाला है, ये साइनेप्स गया, अगर ये लीजन होगा तो क्या होने वाला है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये फेल हो जाएगा और फिर जब आप हैमर से स्ट्रोक करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्शन मसल का देखने को मिलने वाला नहीं है और ये जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है ये लॉस्ट हो जाएगा। तो इससे आप जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज अगर कोई है बॉडी में तो उसको आप डायग्नोस कर सकते हैं इससे, ये इसका एक क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है। ओके सो थैंक यू एंड बाय बाय।